जी नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां ओम प्रकाश चौटाला से मिलने पहुंचे अजय चौटाला व उनके पुत्र दिग्विजय चौटाला। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला द्वारा दादा ओम प्रकाश चौटाला के पैर छूकर आशीर्वाद लेने के बाद अब जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और उनके छोटे बेटे दिग्विजय चौटाला भी पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने अपनी शादी से पहले दादा ओम प्रकाश चौटाला के पैर छूकर आशीर्वाद भी दिया। दरअसल दिग्विजय चौटाला अगले माह शादी के मंडन में बंधने जा रहे हैं, इसलिए अपनी जिंदगी की नई शुरुआत से पहले दिग्विजय ने गुरुग्राम में दादा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके पिता अजय चौटाला भी साथ ही मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद दिग्विजय चौटाला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो भी शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं और वे ही हमें उसमें उत्तीर्ण होने की सामर्थ्य भी देते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ओपी चौटाला अपने छोटे पोते दिग्विजय की शादी में शामिल होंगे या नहीं। गौर रहे कि पिछले साल अभय चौटाला के बेटे करण और अर्जुन चौटाला की शादी भी हुई थी। उस शादी में अभय ने भाई अजय चौटाला के परिवार को निमंत्रण तक नहीं दिया था। भाजपा के गठन के बाद यह कोई पहला मौका नहीं है जब पारिवारिक दूरियों को बुलाकर अजय चौटाला अपने पिता ओपी चौटाला से मिले हैं। हाल ही में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी दादा ओपी चौटाला के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। दरअसल दुष्यंत चौटाला ने कैप्टन अभिमन्यु की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी शादी में पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला भी मौजूद थे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने दादा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। दुष्यंत ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो भी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि दादाजी से बात आशीर्वाद के रूप में, हाथ मजबूत हो, सुनो चट्टान से इरादों का साथ। बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।